फाइनली दोस्तों भेड़िया फिल्म के फर्स्ट सॉन्ग यानी कि ठुमकेश्वरी को आज दोपहर 12 बजे यूट्यूब पर रिलीज कर दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉन्ग के बारे में। तो दोस्तों इस सॉन्ग का टाइटल है ठुमकेश्वरी, जहां पर इस सॉन्ग की एल्बम है भेड़िया और इस सॉन्ग के सिंगर हैं सचिन जिगर, रश्मित कौर और अस्किंग। बता दूं दोस्तों इस सॉन्ग में म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने, वहीं पर इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है गणेश आचार्य ने। तो दोस्तों बात करें सॉन्ग के बारे में, तो दोस्तों ये सॉन्ग है 2022 का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सॉन्ग है टोटली गूजबम। इस सॉन्ग के अंदर जो म्यूजिक बज रहा है वो भी टोटली गूजबम और इस सॉन्ग के अंदर बीट्स हैं वो भी गूजबम और इस सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो कतई जहर हैं। मतलब कि हम लोग सिर्फ इस सॉन्ग को सुने तो ये सॉन्ग टोटली गूजबम है और ये वाला सॉन्ग डीजे पर आग लगाने वाला है। इस सॉन्ग को एयरफोन लगाकर सुनोगे तो काफी ज्यादा मजा आएगा। बात करें दोस्तों सॉन्ग की स्क्रीन प्ले के बारे में, तो दोस्तों मुझे सॉन्ग का स्क्रीन प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब कि इस सॉन्ग को भी थोड़ा एडल्ट तरीके से बना दिया है। मतलब कि सॉन्ग को अलग तरह से बनाना चाहिए था। भेड़िया है, मतलब ये कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है। भेड़िया के हिसाब से इस तरह के सॉन्ग तो इस फिल्म में डालना ही नहीं चाहिए थी। हालांकि सॉन्ग सुनने में अच्छा है, बट सॉन्ग को थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट करना चाहिए था। इस तरह से थोड़ा सॉन्ग उधर पहुंच गया, मतलब वही वाली फिल्मों में, जिससे ऑडियंस को ये बहाना मिल जाता है कि बॉलीवुड की सभी फिल्मों को बायकॉट करना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो दोस्तों बॉलीवुड की फिल्मों के एक दो सीन भी ऑडियंस को एडल्ट लगने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि ऐसा हमेशा से चलता आ रहा है और ये सब तो साउथ में बहुत ज़्यादा भी होता है, लेकिन बॉलीवुड की फिल्मों की नेगेटिविटी ज़्यादा कर दी है ऑडियंस। सो बॉलीवुड की फिल्मों में इस तरह के सॉन्ग तो बिल्कुल भी ना डालें जब तक ऑडियंस को ये समझ ना आ जाए कि बॉलीवुड बहुत ही अच्छी फिल्में बनाने लगा है। मतलब कि भेड़िया में तो बिल्कुल भी ना डालने चाहिए थे, क्योंकि भेड़िया एक अलग तरह की फिल्म है। हालांकि दोस्तों सॉन्ग देखने में भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस सॉन्ग का जो डांस है वो बहुत ही लाजवाब है, लेकिन सॉन्ग को थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट करना चाहिए था। हालांकि दोस्तों सॉन्ग में श्रद्धा कपूर यानी कि स्त्री की एंट्री होती है तब और ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों मुझे सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद तो आया ही, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जब लगा जब स्त्री की एंट्री हुई और स्त्री को देखने के बाद वरुण धवन के होश उड़ जाते हैं, उस टाइम पर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई थी। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताना कि आप लोगों को भेड़िया फिल्म का पहला सॉन्ग ठुमकेश्वरी कैसा लगा, क्योंकि मैं इस सॉन्ग के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था और मुझे ये सॉन्ग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।